हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। दिस वीडियो लेक्चर इज अबाउट द स्टेम सेल्स पार्ट टू। स्टेम सेल पार्ट टू में हम डिफरेंट अदर टाइप की जो स्टेम सेल्स होती हैं, इसके अलावा जो इनके एप्लीकेशंस हैं या इथिकल कंसर्न हैं, उनके बारे में हम इसमें इसमें देखेंगे। पार्ट वन में हमने जो भी इनके बेसिक टॉपिक्स थे स्टेम सेल से रिलेटेड, इनके टाइप्स, इनके एप्लीकेशंस, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड विद स्पेसिफिक रेफरेंस ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ये हम देख चुके हैं। एडल्ट स्टेम सेल्स, एन एडल्ट स्टेम सेल इज थॉट टू बी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स फाउंड अमंग द डिफरेंशिएटेड सेल्स इन अ टिश्यू और ऑर्गन। तो एडल्ट स्टेम सेल्स वो स्टेम सेल्स होती है जो कहाँ से मिलती हैं, एडल्ट से मिलती हैं। ये भी कैसे होती है, अनडिफरेंशिएटेड टाइप की सेल्स होती हैं। अनडिफरेंशिएटेड टाइप की सेल्स जो यानी जो सभी एक जैसी होती हैं, जिसमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। फाउंड अमंग द डिफरेंशिएटेड सेल्स इन ए टिश्यू और ऑर्गन, तो जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं उनके बीच में ये प्रेजेंट होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड टाइप की सेल्स। द एडल्ट स्टेम सेल्स कैन रिन्यू इटसेल्फ एंड कैन डिफरेंशिएट टू यील्ड सम और ऑल द अदर मेजर स्पेशलाइज्ड सेल टाइप ऑफ द टिश्यू और ऑर्गन। तो इनमें भी क्या होता है, चूंकि हम इसको स्टेम सेल्स कह रहे हैं तो वही प्रॉपर्टीज जो स्टेम सेल्स में होनी चाहिए, लाइक सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी और अनलिमिटेड सेल ग्रोथ की प्रॉपर्टी, ये सभी इसमें भी प्रेजेंट होती हैं। द प्राइमरी रोल ऑफ द एडल्ट स्टेम सेल्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टू मेंटेन एंड रिपेयर द टिश्यू इन विच दे आर फाउंड। तो बेसिकली जो इनका यूज है वो रिपेयर, मेंटेनेंस और रिपेयर में काम में लिया जाता है। साइंटिस्ट ऑल्सो यूज द टर्म सोमेटिक स्टेम सेल्स इंस्टेड ऑफ एडल्ट स्टेम सेल्स, वेयर सोमेटिक सेल्स रेफर टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। अनलाइक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स विच आर डिफाइंड बाय देयर ओरिजिन सेल कॉल्ड प्री इम्प्लांटेशन स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो, द ओरिजिन ऑफ द एडल्ट स्टेम सेल्स इन सम मैच्योर्ड टिश्यू इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो एडल्ट स्टेम सेल्स जो है उन पर अभी भी रिसर्च चल रही है उनके फंक्शंस को लेकर के। लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे कि दो तरह की स्टेम सेल्स होती हैं, एक तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं, दूसरा सोमेटिक स्टेम सेल्स होती हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एम्ब्रियोज में प्रेजेंट होती हैं, जबकि सोमेटिक सेल्स जो हैं ये एडल्ट्स में प्रेजेंट होती हैं। डिफरेंशिएशन पाथवेज ऑफ द एडल्ट स्टेम सेल्स, न्यूट्रल स्टेम सेल्स इन द एम्ब्रियो ब्रेन गिव राइज टू द थ्री मेजर सेल टाइप ऑफ टिश्यूज। तो जो न्यूरोनल स्टेम सेल्स होती हैं वो अलग अलग टाइप की सेल्स देती हैं, लाइक न्यूरोनल सेल्स, एस्ट्रोसाइट सेल, ऑलिगोडेंड्राइट सेल्स, ये तीन तरह की सेल्स न्यूरोन्स में प्रेजेंट होती हैं। एपिथेलियल टाइप की जो सेल्स होती हैं उसमें एब्जॉर्प्टिव सेल्स, गॉबलेट सेल्स, पेनेट सेल्स, एंड्रोक्राइन सेल्स। आप देखेंगे कि जो हमारा इंटेस्टाइनल जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें रैपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टमक में अलग टाइप की सेल्स हैं, जबकि इंटेस्टाइन में कुछ अलग टाइप की सेल्स हैं, क्योंकि फंक्शनैलिटी दोनों सेल्स में अलग अलग होती हैं, अलग अलग टाइप के हॉर्मोन्स इन्हें रिलीज करने होते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, आपके एपिथेलियल स्टेम सेल्स होती हैं। स्किन में भी आप देखेंगे, स्किन में जो थी फाइव डिफरेंट टाइप की लेयर्स होती हैं, फाइव डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, स्टेटम जर्मिनेटिवम, मेलपिगियन, केराटिन टाइप की सेल्स होती हैं, बेसल सेल्स होती है, ग्रेनुलर टाइप की सेल्स होती हैं। तो ये अलग अलग जो टाइप की सेल्स होती हैं स्किन में स्टेम सेल्स की वजह से होती हैं। इसी तरह से एपिडर्मल स्टेम सेल्स होती हैं एंड फॉलिकुलर स्टेम सेल्स होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो होती हैं ये आपके प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स टाइप की होती है, जो कि डिफरेंट टाइप की सेल्स बनाती हैं। और यहाँ पे आप मल्टी पोटेंट सेल्स और माइलोइड प्रोजेनिटर सेल्स, माइलोइड प्रोजेनिटर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। माइलोइड प्रोजेनिटर सेल्स जो होती है ये न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स टाइप की सेल्स बनाती हैं। तो माइलोइड प्रोजेनिटर सेल्स एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स बनाती हैं जो एक स्पेसिफिक लीनेज से बिलोंग करती हैं। मल्टी इंपॉर्टेंट स्टेम सेल्स में जाती हैं लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स होती हैं, इसी तरह में लिम्फोसाइट्स बनती हैं, किलर सेल्स का फॉर्मेशन होते हैं, मोनोसाइट्स। तो यहाँ पे आप ये अलग अलग टाइप की एडल्ट स्टेम सेल्स देख सकते हैं। एडवांटेजेस हम देखेंगे तो ये फ्लेक्सिबल होती हैं, जिस तरह से एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं, समवॉट स्पेशलाइज्ड होती हैं, नॉट इम्यूनोजेनिक होती हैं, यानी आप किसी एक एडल्ट की स्टेम सेल्स हमने रिक्रूट की और उसको हम रिट्राइव की और हमने वापस उसी में उसको रिक्रूट कर दिया, तो ये कैसे होती है, नॉन इम्यूनोजेनिक। रिजेक्शन जो होता है वो बहुत कम होता है। स्टेम सेल्स आर इजी टू हार्वेस्ट, नॉन ट्यूमरजेनिक होती हैं एंड नो हार्म टू डोनर। डिसएडवांटेजेस में देखेंगे लिमिटेड क्वांटिटी होती हैं, फाइनाइट होती हैं या लेस फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है। ये इसके उलट जो आपके एडल्ट स्टेम सेल्स, एम्ब्रियो स्टेम सेल्स होती हैं उसमें अनलिमिटेड होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं एंड फ्लेक्सिबिलिटी हाई होती है।
वाई आर एडल्ट स्टेम सेल्स आर प्रेफरेबल टू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स? एडल्ट स्टेम सेल्स को हम क्यों प्रिफर करते हैं? तो इसके जो हमने एडवांटेजेस देखे हैं वो बहुत क्लियरली आपको एक्सप्लेन करते हैं कि हम इन्हें क्यों प्रिफर करते हैं. अबाउट स्टेम सेल्स आर नेचुरली एग्जिस्टिंग इन आर बॉडी एंड दे प्रोवाइड ए नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म फॉर मैनी टिश्यूज. दे बिलोंग इन द माइक्रो एनवायरमेंट ऑफ एन एडल्ट बॉडी वाइल एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बिलोंग इन द माइक्रो एनवायरमेंट ऑफ द अर्ली एम्ब्रियो. यहाँ पे आप कंपैरिजन देख सकते हैं ऑफ द डिफरेंट सोर्स ऑफ द स्टेम सेल्स. नाउ इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स. इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं जिन्हें हम इंड्यूस करते हैं. नॉर्मल में ये सेल्स जो होती हैं स्टेम सेल्स नहीं होती हैं एडल्ट्स में, लेकिन इनको जेनेटिकली रिप्रोग्राम किया जाता है. इनमें जो रिप्रोग्रामिंग होती है वो किसी पर्टिकुलर जो जेनेटिक कॉन्स्टेंट है उनको एंटर कराया जाता है सेल में, और वो जो जेनेटिक कॉन्स्टेंट है वायरस का हो सकता है, बेसिकली वायरस का लिया जाता है. तो ये जो नया जो जेनेटिक मटेरियल एंटर किया ये जो होस्ट सेल्स होती है उसके जीन को कंट्रोल करता है और उसको फिर ये स्टेम सेल्स की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करता है. Although these cells meet the defining criteria of the pluripotent stem cells, if it is not, if iPS, SCs and embryonic stem cells differ in clinically significant ways. Mouse induced pluripotent stem cells were the first reported in 2006, and human induced pluripotent stem cells were least reported in late 2007. Mouse iPSCs demonstrate important characteristics of the pluripotent stem cells, including expressing stem cells marker, forming tumor containing cells from all the three germ layers, and being able to contribute to many different tissues when injected into the mouse embryo at a very early stage in the development. Human induced pluripotent stem cells also express stem cells marker and are capable of generating cells characteristic of all the three germ layers. Although additional research is needed, induced pluripotent stem cells are already useful tool for the drug development and modeling of the disease. तो ये जो है नॉर्मली हमारी जो डिजीज को कंट्रोल करने के लिए या किसी भी तरह का कोई भी ऑल्ट्रेशन हमें करना होता है तो उसमें हम इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, नॉर्मल जो सेल लेयर होती है उसको इंड्यूस्ड किया जाता है स्टेम सेल्स में, और फिर उसकी प्रॉपर्टीज को ट्रेस किया जाता है और इस तरह से स्टेम सेल्स को बनाया जाता है. वायरस आर करेंटली यूज टू इंट्रोड्यूस द रीप्रोग्रामिंग फैक्टर इन टू द एडल्ट सेल्स, ये हमने डिस्कस किया था. एंड दिस प्रोसेस मस्ट बी केयरफुली कंट्रोल्ड एंड टेस्टेड बिफोर द टेक्निक्स कैन लीड टू यूजफुल ट्रीटमेंट फॉर ह्यूमंस. यहाँ पे जो भी आप कर रहे हैं उसको केयरफुली कंट्रोल किया जाता है. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं. इन एनिमल स्टडीज द वायरस यूज टू इंट्रोड्यूस द स्टेम सेल्स फैक्टर समटाइम कॉजेस कैंसर्स. अगर पूरी तरह से इसकी मॉनिटरिंग सेफ मॉनिटरिंग नहीं होती है तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ सकती हैं, लाइक कैंसर तक इसमें पॉसिबिलिटी है कि वो कैंसर में, क्योंकि कैंसर भी क्या है आपका अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन है, ठीक है. तो और इसी तरह से स्टेम सेल्स में होता है कि अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन, लेकिन थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस होता है कि जो आपकी स्टेम सेल्स होती हैं वहाँ पे आप कहते हो कि जो सेल डिवीजन की फेजेस होती हैं उसमें थोड़ा वेरिएशन आता है. यहाँ पे आपके जीवन एंड जीवन प्रेजेंट होती है, जी टू एंड एस जो है वो नहीं होती है, जबकि वहाँ पे आपके जीवन जी टू जो होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, कैंसर में शॉर्ट होती हैं ये, इसलिए फास्ट डिवीजन होता है. इन एडिशन टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम द आईपीसीज विल बी नियरली आइडेंटिकल मैच टू द सेल डोनर एंड दस प्रोबेबली अवॉइड रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपके, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ये कल्चर की हुई कुछ सेल्स, इनको ट्रांसड्यूस किया जाता है थ्रू द वायरस. वायरस का जीनोम एंटर, जिन सेल्स में वायरस का जीनोम एंटर कर जाता है उसे हम कहते हैं ट्रांसड्यूस सेल्स. फर्दर जो प्रोसेस होता है उसमें जो थर्ड स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है उसमें हम ट्रांसड्यूस सेल्स को लेते हैं और किसी कल्चर मीडियम में रखते हैं, वो उस कल्चर मीडियम में रखते हैं जहाँ पे सिर्फ ट्रांसड्यूस सेल्स ही ग्रो कर सकती हैं. तो फिर जो हमारी कॉलोनी बनती है वो कम्प्लीटली ट्रांसड्यूस सेल्स की ही कॉलोनी बनती है. तो इस तरह से हम इसको इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स को कलेक्ट कर सकते हैं, उसकी कॉलोनीज को मेंटेन कर सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द स्टेम सेल्स. स्टेम सेल्स मे बी डिराइव फ्रॉम द ऑटोलॉगस एलोजेनिक एंड जीनोजेनिक सीक्वेंस सोर्सेज से हम ले सकते हैं इसको. ऑटोलॉगस मीन्स सेल्फ का लिया जा सकता है, एलोजेनिक मीन्स अदर स्पीशीज का, जीनोजेनिक जो होती हैं डिस्टेंटली इवोल्यूटरी जो डिस्टेंटली होते हैं एनिमल्स वहाँ से लिया जा सकता है. हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी इज प्री रिक्विजिट फॉर द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ एलोजेनिक स्टेम सेल्स. तो यहाँ पे आपको पता है MHC जो रेस्ट्रिक्शंस होता है वो यहाँ पे मेजर फैक्टर होता है कि ट्रांसप्लांटेशन का जो है वो रिजेक्शन ना हो सके. फैटल टिश्यू इज द बेस्ट करंट टिश्यू सोर्स फॉर द ह्यूमन न्यूरल स्टेम सेल्स. हाउएवर एथिकल इश्यूज आर मेजर कंसर्न.
फर्टाइल टिश्यूज जो हैं बिकम अवेलेबल एज अबॉर्शन क्लिनिक्स में हम इसको अलग अलग स्टेज में ले सकते हैं. लाइक जैसे अबॉर्शन होता है तो वहाँ पे भी टिश्यूज जो हैं फीटल टिश्यूज जो है वो प्रोवाइड हो सकते हैं. इसके अलावा IVF टेक्निक्स है, इसके अलावा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं. तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको स्टेम सेल्स जो हैं वो मिल सकती हैं आफ्टर सेटिस्फाइंग सम एथिकल पॉइंट्स. एम्ब्रियोज क्रिएटेड ए सेक्सुअल एज ए रिजल्ट फॉर द ट्रांसफर ऑफ, यहाँ पे ए सेक्सुअली भी जो होती हैं वो उसको ट्रांसफर किया जा सकता है कि एग का जो न्यूक्लियस है उसकी जगह पे किसी दूसरे न्यूक्लियस को उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है और इससे ये जो होती हैं ए सेक्सुअली डेवलप हो जाती है. अदर सोर्स जो होती हैं अम्बिलिकल कॉर्ड है, ब्लड एंड बोन मेरो. इन एडिशन न्यूरोनल स्टेम सेल्स, हेमटोपोएटिक स्टेम सेल्स एंड मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स कैन बी हार्वेस्टेड फ्रॉम द फीटल ब्लड एंड फीटल टिश्यूज. प्लेसेंटा इज अ मेजर सोर्स फॉर द स्टेम सेल्स. प्लेसेंटा से जो है प्लेसेंटल कॉर्ड जो है वहाँ से सेल्स ली जा सकती हैं जो कि बहुत ही डिजीज जो है सिकल सेल डिजीज, थैलेसेमिया एंड ल्यूकीमिया इनको कंट्रोल कर सकती हैं. अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट. अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसको मोस्टली जब बर्थ के टाइम पे जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसको सेव किया जाता है क्योंकि वहाँ पे आपके स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं. अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट आर लेस प्रोन टू रिजेक्शन देन आइदर बोन मैरो और पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल्स. दिस इज प्रोबेबली बिकॉज द सेल्स हैव नॉट येट डेवलप्ड द फीचर्स दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एंड अटैक बाय द रेसिपिएंट इम्यून सिस्टम. तो ये वाली जो सेल्स होती हैं, ये वाली जो सेल्स हैं इनको काफ़ी प्रेफर किया जाता है. अम्बिलिकल कॉर्ड की जो स्टेम सेल्स होती हैं उसमें रिजेक्शंस के चांसेस कम होते हैं, इसलिए इस सेल्स को इनको प्रेफर किया जाता है. एप्लीकेशंस अगर हम देखें स्टेम सेल्स की एप्लीकेशन, तो हम इसको डिजीज़ में काम में ले सकते हैं. डिजीज़ किसी भी तरह की हो जाती है, किसी भी सेल्स में ऑर्गन फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, किसी सेल्स में ट्यूमर डेवलप है, तो इस तरह की जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको हम स्टेम सेल्स के थ्रू स्टेम सेल थेरेपी कहते हैं. स्टेम सेल थेरेपी के थ्रू हम इसको बेटर हैंडल कर सकते हैं. स्टेम सेल्स हैव द एबिलिटी टू रिप्लेस द डैमेज सेल्स एंड ट्रीट डिजीज़. कुड बी यूज टू स्टडी डिजीज़ को स्टडी करने के लिए किया जा सकता है कि कोई भी सेल जो है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस पर्टिकुलर सेल की फंक्शनलिटी को फर्क करते हैं. स्टेम सेल कुड प्रोवाइड अस रिसोर्स फॉर टेस्टिंग न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट, न्यू मेडिकल मेडिकल डायग्नोसिस में इसको हेल्प किया जा सकता है. पोटेंशियल यूज जो यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ब्रेन में बॉर्डनेस है, ब्लाइंडनेस है, डीफनेस है, इसके अलावा पार्किंसंस, अल्जाइमर्स डिजीज है, ब्रेन इंजरी है किसी तरह का, स्ट्रोक, इन सब में इसको लिया जा सकता है. मिसिंग टीथ, वुंड हीलिंग में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डायबिटीज, मल्टीपल साइट कैंसर्स, इन सब इस तरह की जो डिजीज़ हैं उसमें स्टेम सेल्स जो होती हैं कैन बी ए बेटर ऑल्टरनेट. पॉसिबल यूज़ में आप यहाँ देख सकते हैं कि न्यूरोनल सेल्स जो है यहाँ पे न्यूरोनल सेल्स के स्टेम सेल्स को हम इन इन टारगेट जो डिजीज़ है वहाँ पे काम में ले सकते हैं. स्ट्रोक में, पार्किंसंस डिजीज में, अल्जाइमर्स डिजीज में, इस तरह की डिजीज में ले सकते हैं. हार्ट मसल्स में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे हम उसको ले सकते हैं. इसी तरह से इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो डायबिटीज़ है वहाँ पे हम अगर जो डिफेक्टिव हो जाती है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स वहाँ पे हम स्टेम सेल्स को काम में ले सकते हैं. लिवर सेल्स, स्किन सेल्स, बोन सेल्स, रेटिनल सेल्स, इस तरह की जो भी हमारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसको हम सेल थेरेपी के थ्रू यहाँ पे इसको काम में लिया जा सकता है. इथिकल डिबेट्स जो है, इथिकल कंसर्न की अपनी एक बहुत बड़ा एक चैप्टर है जहाँ पे हम इथिकल कंसर्न पढ़ते हैं अबाउट द यूज़ ऑफ एंड एप्लीकेशंस ऑफ द स्टेम सेल्स. हार्वेस्टिंग ईएस सेल्स डिस्ट्रॉय द ब्लास्टोसिस्ट, दिस इज द मर्डर. तो डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशंस क्या है. अगर ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम में आती हैं, हम किसी को ज़िंदगी की उसको बेटर बना सकते हैं, तो वहाँ पे इसको प्रमोट किया जाना चाहिए. लेकिन अगर कोई रॉन्ग यूजेस हैं इसके तो वहाँ पे इसको फिर थोड़ा इसके लिए कंसर्न रहती हैं चीज़ें. सो दिस इज़ ऑल अबाउट वाई वी शुड सपोर्ट एंड कैन हेल्प द सेवरल डिसेबल्ड. ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स रिसर्च ऑफर द ग्रेट प्रॉमिस ऑफ क्योर एंड अदरवाइज incurable conditions, spinal cord injuries, ALS, Alzheimer's disease, Parkinson's disease. Animal के क्लोन बनाने में इसको लिया जाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेम सेल्स. दोनों वीडियोज़ के थ्रू हमने स्टेम सेल्स को सीखा. ये जो प्रेजेंटेशन है ये स्टैंडर्ड बुक्स के थ्रू बनाई हुई है एंड स्लाइड्स से प्रेजेंटेशन जो कि इंटरनेट से यूज़ की हुई है उसके थ्रू इसको बनाया गया है. थैंक यू सो मच.